नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th of September 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट the subscribe button, also don't forget to press the bell icon, also share this video with your friends as well। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी और साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ भी उसी ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही साथ कॉल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा, द फर्स्ट एवर इन पर्सन क्वाड्स लीडर समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री इन सेप्टेम्बर 2021। तो दोस्तों यहाँ पर क्वाड्स लीडर समिट की जो मीटिंग होती है, ठीक है, वो इस साल सितंबर महीने में कौन से कंट्री में हेल्ड होने की बात की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो पीएम मोदी टू अटेंड फर्स्ट इन पर्सन स्क्वाड समिट एट व्हाइट हाउस ऑन सितंबर 24, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि पहली बार, ठीक है, इन पर्सन पीएम मोदी जी क्या करेंगे दोस्तों, व्हाइट हाउस में समिट मीटिंग को अटेंड करेंगे 24 सितंबर को यूएस में। क्वाड नेशन कंप्राइज ऑफ इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वाड नेशन में दोस्तों चार नेशन आते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है तो चार होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं आपके, एक इंडिया, जापान, यूएस और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये बात आप ध्यान रखोगे। पीएम मोदी also address the UNGA New York on September 5, 2021. This will be the first visit of PM Modi to United States since President Joe Biden assumed office, and also first in person meeting between the two leaders since Biden assumed office, right? So, जो बिडेन के दोस्तों वहां पर प्रेसिडेंट बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विजिट होगी, ठीक है, यूएस की, और फर्स्ट इन पर्सन में भी पहली मीटिंग यहाँ पर होगी बिडेन जी के ऑफिस अज्यूम लेने के बाद। द क्वाड समिट एम्स टू डीपन टाइज एंड इंक्रीज कोऑपरेशन इन एरिया सच एज कॉम्बैटिंग COVID-19, एड्रेसिंग क्लाइमेट क्राइसिस, पार्टनरशिप इन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबरस्केप एंड प्रमोटिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेप्थ में क्वेश्चन इतना बनने की दोस्तों आशा नहीं रखते हैं यहाँ से, लेकिन हाँ, बैंकिंग, अगर आप एसएससी हैं तो डेप्थ में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बैंकिंग वालों के लिए इसका सिर्फ क्रक्स जानना ही आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। RBI has launched the third cohort under the regulatory sandbox, that is RS. What is the theme of this cohort? Retail payments, MSME lending, cross-border payments, blockchain technology. Here the correct option will be option number B, that is MSME lending. अब दोस्तों ये question आपके banking awareness और financial awareness को मद्देनजर रखकर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द थीम ऑफ थर्ड कोहोर्ट अंडर द रेगुलेटरी स्टैंड बॉक्स एज एमएसएमई लेंडिंग। तो ये बात आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रह जाएगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी, ये चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि थीम क्या है एमएसएमई लेंडिंग। बिफोर दिस आरबीआई हैज लॉन्च्ड टू कोहोर्ट अंडर द रेगुलेटरी स्टैंड बॉक्स, दीज आर, फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट आपका रिटेल पेमेंट का, ठीक है, और दूसरा था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, बस सिंपल बात ध्यान रखनी, और डेप्थ में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहले का नाम, पहले का जो थीम था वो था रिटेल पेमेंट का, और दूसरे का थीम था आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का। थर्ड की अगर बात करेंगे तो थर्ड आपका रहेगा एमएसएमई लेंडिंग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द फास्ट पेमेंट सिस्टम इन सिंगापुर विद विच आरबी हैज रिसेंटली लिंक्ड एज यूपीआई, ठीक है, इट्स यूपीआई। पे नाउ, पे वे, पे नाउ, पे पल, पे आउट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पे नाउ, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया और सिंगापुर ने लिंक किया देयर फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम UPI and PayNow. Now this is important. This is gonna be very important as of आपका इसका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है फाइनेंशियल अवेयरनेस से और बैंकिंग अवेयरनेस डेफिनेटली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एंड मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर हैज अनाउंस द प्रोजेक्ट अंडर विच टू सेंट्रल बैंक विल लिंक देयर रिस्पेक्टिव फास्ट पेमेंट सिस्टम दैट इज UPI इंटरफेस एंड PayNow. ठीक है,
तो लिंकेज विल बी एनेबल यूजर्स टू ईच ऑफ द टू फास्ट पेमेंट सिस्टम टू मेक फंड ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर एंड वाइस वर्सा यूजिंग यूपीआई एंड पे नाउ. द लिंकेज इज टारगेटेड फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन बाय जुलाई 2022. तो यहाँ पर दोस्तों यूपीआई और पे नाउ ये क्या करेंगे, अब हमारे इंडिया और सिंगापुर में, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, भले इंडिया से सिंगापुर हो या सिंगापुर से इंडिया हो, वाइस वर्सा कुछ भी हो, तो यहाँ पर इसको और ज्यादा कस्टमर्स की सुविधा के लिए यूज किया जाएगा ताकि उनको और अच्छे एक्सपीरियंस मिल सके. ठीक है, पे नाउ इज द फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ सिंगापुर विच इनेबल्स पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर सर्विसेज. जैसे हमारे इंडिया में यूपीआई होता है ना दोस्तों, वैसे ही सिंगापुर में क्या होता है, पे नाउ. तो ये बात ध्यान रखना, अब ये दोनों इंटर रिलेटेड रहेंगे ताकि इंडिया और सिंगापुर के बीच में फंड्स आराम से ट्रांसफर हो सके सेफली एंड सिक्योरली. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग दीज इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन पार्टनरशिप विद स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन GPI. ICICI बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS बैंक. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DBS बैंक, राइट. तो DBS बैंक हैज लॉन्च द रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन पार्टनरशिप विद द स्विफ्ट, right, Swift GPI. The service can avail using the bank's corporate online platform that is DBS Ideal, right. तो यहाँ पर दोस्तों DBS बैंक का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बैंक का, वो उसका नाम क्या रहेगा आपका, DBS Ideal. तो यहाँ पर DBS is the first bank in India and Asia Pacific to offer this service to corporate client at of no additional cost. The new inbound tracking service DBS bank will allow corporate customers to see when a payment is on its way, when it's arriving, and its beneficiary will turn reduce operational cost and inefficiencies. तो यहाँ पर दोस्तों पूरी ट्रैकिंग रहेगी. जैसे मान लो आपने, मैंने अपने अकाउंट से आपको अगर पैसे दिए, तो वो पैसे NEFT के द्वारा कौन से रेज में रहे, आधे घंटे का टाइम होता है, आपको पता है NEFT में आधे घंटे का टाइम होता है, आधे घंटे के बैचेस होते हैं, कहां तक पैसा पहुंचा है, वो सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो. जिस तरीके से हम कोरियर में ट्रैक करते हैं ना, वैसे ही हिसाब यहां पर रहेगा. तो दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं, वैसे ही क्रॉस बॉर्डर सिस्टम है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना, मतलब मेरे को होना पड़ेगा इंडिया में और आप अगर नेपाल में हो गए तो वो क्रॉस बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है, वैसा हिसाब. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द विनर ऑफ द वुमेन्स प्राइज ऑफ फ्रिक्शन 2021. सुजाना क्लार्क, मर्लिन ब्रुलोई, रोसे वेले और बारबरा किड. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुजाना क्लार्क. तो इंग्लिश ऑथर सुजाना हैज वॉन द वुमेन्स फर्स्ट फ्रिक्शन 2021 फॉर अ सेकेंड नोवल पिरानेसी. ये है दोस्तों, ठीक है, ये है. द वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन इज वन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स मोस्ट प्रेस्टीजियस लिटरेसी प्राइजेस, ठीक है. तो ये बात ध्यान रखना, किसको मिली है, इंटरनेशनल न्यूज है, तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ इन स्पेस, दैट इज इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर. राजेश जेजुरीकर, पवन कुमार गोयंका, अरविंद मैथ्यू और रंजन वाधेरा. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पवन कुमार गोयंका. तो पवन कुमार गोयंका द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड महिंद्राज हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इन स्पेस द रेगुलेटर ऑफ इंडिया स्पेस इंडस्ट्री. द InSpace is an independent nodal agency under the Department of Space, ISRO, set up in 2020 for allowing space activities like developing launch vehicles, satellites and other usage of DOS own facilities to build them both public and private firms in India, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि InSpace के जो चेयरपर्सन है दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया है, पवन कुमार गोयंका को. ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अपॉइंटमेंट है, आपकी क्वेश्चन देखने को बन सकता है. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिकेट प्लेयर ब्रेंडन टेलर has announced her retirement for the international cricket and he played for which country? Zimbabwe, West Indies, Ireland or Australia? Here the correct option will be option number A, that is Zimbabwe, right? So, yahan par former Zimbabwe skipper and wicket keeper batsman Brendan Taylor has announced his retirement from international cricket. He made his announcement while playing third final ODI match on September 13, 2021 against Ireland. The 34-year batsman made ODI debut for Zimbabwe in 2004 against Sri Lanka. He scored 6677 runs from 2004 ODI matches and 17 years of ODI career. तो यहाँ पर इन्होंने अपना retirement दोस्तों क्या कर दिया, international cricket से announce कर दिया. इनका नाम आप ध्यान रखना और कौन से ये team से खेलते थे, तो Zimbabwe की team से photo आपको यहाँ पर दिख जाएगी. Next चलते हैं दोस्तों, next बात करते हैं, what is the theme of International Day of Democracy 2021?
COVID-19, a spotlight on democracy, strengthening democratic resilience in the face of future crisis, participation, democracy and the strained solution for changing world. Yeah, the correct option will be option number B, that is strengthening democratic resilience in the face of future crisis. So International Day for Democracy is celebrated across the world on 15 September each year since 2008. It was established through a resolution passed on UN General Assembly in 2007 for promoting and upholding the principles of democracy and provide an opportunity to review the state of democracy in the world, right? यहाँ पर आप लोगों को जो important रहेगा वो रहेगा दोस्तों theme strengthening the democratic resilience in the face of future crisis. तो हर important day की theme मैंने हमेशा आपको अपने sessions में बताया है, हर important days की दोस्तों आपको theme क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? Next चलते हैं, next बात करते हैं, the National Engineers Day celebrated in India on which day? 12th September, 15th September, 14th September, 11th September. Here the correct option will be option number B, that is 15th of September. So in India, Engineers Day celebrated on 15th of September every year since 1968 to recognize the contribution of engineers in the development of the nation. The day marks the birth anniversary of engineer pioneering of India, Shri Moksha Gudam Viveshwarya, popularly known as Sir MV. ठीक है, सर एम वी इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर. तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा. ही ऑर्डर्ड एज अ भारत रत्न फॉर द एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिल्डिंग ऑफ इंडिया इन 1955, राइट? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि आपका इंजीनियर्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, द वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे इज एनुअल ऑब्जर्वेशन विच इज हेल्ड ऑन 15 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 12 सितंबर. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15th ऑफ सितंबर. तो वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है. टू डेडिकेट एंड रेजिंग अवेयरनेस ऑफ लिम्फोमा, अ इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर, राइट? तो ग्लोबल इनिशिएटिव है, 2004 से इसको शुरू किया गया था. नॉन प्रॉफिट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 52 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड में फैले हुए हैं. 83 लिम्फा पेशेंट्स अभी तक पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा. इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर, ये भी आप लोग इधर ध्यान रखेंगे. तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए. और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस day.